अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं महमूद अहमद दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मैकेनिकल टाइम स्विच की टाइम की सेटिंग करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि इसकी टाइम की सेटिंग करते वक्त आप कौन सी ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा टाइम स्विच है जो भी चीजें इसके साथ कनेक्टेड होती है आपकी गलती करने की वजह से ये हमारा टाइम स्विच उन तमाम चीजों को राइट right टाइम के ऊपर ऑन भी नहीं करता और ऑफ भी नहीं करता और ये भी बताएंगे की कनेक्शन करते वक्त आप कौन सी ऐसी गलती करते हैं इसकी वजह से ये जो हमारा टाइम स्विच है अक्सर खराब हो जाता है एक दिन के अंदर जो 24 घंटे होते हैं उन 24 घंटे के अंदर आप जितनी दफा चाहें इसके साथ कनेक्टेड चीजों को ऑन भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक और ऑफ भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक और इसके अलावा दोस्तों इस टाइम स्विच की जो खास बात है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये 100 वोल्ट से लेकर दो वोल्ट की बिजली की पावर तक अपरेट हो सकता है और सोलह पेर इसकी आउटपुट पर आप लोड कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा पैंतालीस से लेकर साठ हर तक कनेक्ट करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो दो नंबर पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है है। एक नंबर और तीन नंबर इसकी आउटपुट पावर को हासिल करने के लिए पॉइंट है जिनको आप इसकी आन और आफ की पोजीशन में हासिल कर सकते हैं इसके अलावा सात नंबर और आठ नंबर के दो पॉइंट हैं, जिनके सेंटर में एम लिखा हुआ है यही वो गलती है जो अक्सर इलेक्ट्रिशियन करते हैं वो समझते हैं ये जो एम लिखा हुआ है इससे मुराद मोटर के कनेक्शन है जबकि एम जो है वो इस घड़ी के मैकेनिज्म को शो करता है यानी कि ये एम उस चीज की निशानी है यानी सात नंबर पर न्यूट्रल और आठ नंबर पर फेज कनेक्ट करने की सूरत में इस घड़ी का जो मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाएगा जिस तरह इसके ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं इसी तरह ये हमारे पास नीचे की तरफ पॉइंट है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर सात नंबर और आठ नंबर ये स्पेयर पॉइंट है ये यूज नहीं होंगे सबसे पहले हम इस घड़ी के टाइम की सेटिंग करेंगे इसकी टाइम की सेटिंग करने के लिए ये जो छोटा बटन है इसको हम राइट की तरफ जीरो के पॉइंट पर पुश कर देंगे दोस्तों ये जो बड़े नंबर बाहर की तरफ लिखे हुए हैं ये नंबर लिखे हुए हैं घंटों के यानी कि अभी एक घंटा हो चुका है दो घंटा हो चुका है तीन घंटा हो चुका है तो ये जो अंदर की तरफ छोटे नंबर लगे हुए हैं ये नंबर लगे हुए हैं मिनट्स के यानी कि दस मिनट्स बीस मिनट्स तीस मिनट्स और यही वो गलती है जो अक्सर आप लोग कर देते हैं क्योंकि आप टाइम सेटिंग करते वक्त घंटे तो सिलेक्ट कर लेते हैं मगर मिनट्स तो आप सिलेक्ट ही नहीं करते जिसकी वजह से आपकी घड़ी का टाइम और इस टाइम की घड़ी का टाइम जो है इक्वल नहीं होता बराबर नहीं होता इसमें फर्क आ जाता है कि टाइम की सेटिंग करने के लिए जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस हमारी टाइम सुट के ऊपर एक छोटा सा तीर का निशान बना हुआ है छोटा सा ब्लैक कलर का एरो बना हुआ है बाहर की तरफ जो घंटे बने हुए हैं जो भी घंटे छे बजे के सात बजे के दिन का जो भी टाइम है जब वो हमारे तीर के निशान के बराबर आएगा उतने बजे के घंटे काउंट होंगे और जो मिनट्स इसके बराबर आएंगे वो मिनट्स काउंट होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा टाइम स्विच है इसके ऊपर छह बजे हुए हैं जबकि हमारा जो मौजूदा टाइम है हमारे मोबाइल के ऊपर वो आठ बज के तीस मिनट है अपने मोबाइल के टाइम को और इस टाइम स्विच की घड़ी के टाइम को बराबर करने के लिए ये जो सेंटर में एक पिन बनी हुई है इसको हम आस्था से इस तरह हाथ के साथ आगे की तरफ घुमाएंगे इसको आगे की तरफ घुमाना है पीछे की तरफ नहीं घुमाना जैसे ही आप इसको आगे तरफ घुमाते जाएंगे आप देखें ये जो हमारे ऊपर वाले घंटों के नंबर है ये भी आगे की तरफ जाएंगे और ये जो मिनट्स वाले नंबर है ये भी आगे की तरफ घूमते जाएंगे और अभी हम इसको आठ बज के तीस मिनट्स के ऊपर करते हैं जैसा कि ये देख रहे हैं जो ही मैं घुमा रहा हूँ ये जो हमारे नंबर है हमारे इस छोटे जो तीर का निशान है ब्लैक वाला इसके बराबर आने चाहिए यानी अभी हमारे आठ बजे का टाइम जो है हमारे इस काले वाले ब्लैक वाले तीर के निशान के बराबर आना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर ये देखिए आठ बज चुके हैं मगर आठ बज के पूरे आठ बजे हैं क्योंकि अभी इधर जीरो है अभी मैं इसको मजीद आगे की तरफ घुमाऊंगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दस मिनट्स आ चुके हैं नीचे की तरफ फिर बीस मिनट्स आ चुके हैं और ये देखे अभी तीस मिनट्स आ चुके हैं यानी कि अभी जो हमारा तीर का निशान है आठ बज के तीस मिनट हो चुके हैं यानी अभी हमारे टाइम स्विच की घड़ी का और जो हमारा मौजूदा टाइम है वो एक जैसा हो चुका है दोस्तों अभी हम वो टाइम सेलेक्ट करेंगे जिस टाइम के ऊपर हम जो भी चीजें इसके साथ कनेक्टेड की है चाहे वाटर पंप है चाहे कोई मोटर है चाहे आपकी लाइटें हैं जब हम उनको ऑन करना चाहते हैं उसका टाइम भी सिलेक्ट करेंगे और जब हम उसको ऑफ करना चाहते हैं उसका टाइम भी सिलेक्ट करेंगे आप जब भी इस मैकेनिकल टाइम स्विच को खरीदेंगे तब ये तमाम जो पिन हैं अभी ये ऑन की पोजीशन पर है अभी ये जो हमारा टाइम स्विच है 24 फोर आवर ऑन की पोजीशन पर है और अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीजें आप इसके साथ कनेक्टेड करेंगे वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ऑफ रहें तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की तमाम पिनों को आप इस तरह बाहर की तरफ पुश कर देंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इन नंबरों के मुताबिक छः बजे से ले कर नौ बजे तक ये जो पिन है बाहर की तरफ है ये आपका ऑफ़ का टाइम है और आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है 10 बजे से ले 12 बजे तक आन रहे उन पिनों को आप ऐसा ही छोड़ दें और फिर आप चाहते हैं कि 12 बजे से ले 4 बजे तक जो भी चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है फिर वो ऑफ हो जाए उन पिनों को आप इस तरह बाहर की तरफ पुश कर देंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है दोस्तों अपने टाइम स्विच की घड़ी की टाइम की सेटिंग करने के बाद ये जो हमारे पास एक और छोटा स्विच है जिसके ऊपर जीरो और एक लिखा हुआ है इसको आप जीरो से एक की तरफ प्रेस कर दें यानी इसका मतलब होगा कि जो भी चीजें इसके साथ कनेक्टेड हैं वो अब इस टाइम स्विच के जरिए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होंगी अपने टाइम स्विच को मेन फेज कनेक्ट करने के लिए हम इस तरह की एक रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे इस रेड वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेज के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी रेड के दूसरे एंड को अपने टाइम स्विच पर मौजूद सबसे नीचे की तरफ जो सबसे पहला पॉइंट है आठ नंबर पॉइंट इसके साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह और अपने टाइम स्विच को न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए हम ब्लैक कलर की वायर का इस्तेमाल करेंगे इस ब्लैक कलर की वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे और उसी ब्लैक वायर को हम अपने टाइम स्विच पर मौजूद सात नंबर के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह न्यूट्रल और फेज कनेक्ट करने की वजह से ये जो हमारा टाइम स्विच है इसकी घड़ी में पावर आ चुकी है और अभी हम इसके साथ आउटपुट लाइटों के कनेक्शन करेंगे लैंप की न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह अपने लैंप की दूसरी वायर को यानी रेड वायर को हम अपने टाइम स्विच के सबसे पहले नंबर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह और इस लैंप को मेन फेज कनेक्ट करने के लिए ये जो हमारे पास नीचे दो नंबर पॉइंट है एक वायर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसी वायर के दूसरे एंड को आप चाहें तो ये जो आपके पास पहले से मेन फेज मौजूद है रेड कलर का इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो आप ब्रेकर में मौजूद मेन फेज के पॉइंट के साथ डायरेक्ट इस तरह इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक और रेड वायर को जंपर डालने के लिए यानी लुपिंग करने के लिए इस रेड वायर के एक एंड को हम अपने टाइम स्विच के दो नंबर के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरे एंड को जहां पर हमने मेन फेज कोनेक्ट किया था टाइम स्विच का आठ नंबर के पॉइंट के साथ कोनेक्ट कर देंगे इस तरह दोस्तों अभी हम टेस्टिंग के लिए ब्रेकर में मौजूद बिजली की मेन पावर को ऑन कर देंगे और इन पिनों को अंदर और बाहर की तरफ पुश करने से यही होता है कि ये जो हमारी पिन्हें हैं ये जो हमारे कोने के साइड के ऊपर एक छोटा पॉइंट बना हुआ है ये बाहर ये बाहर की तरफ जो हैं हैं जब इसके साथ टकराती तो इनको कट ऑफ कर देता है जो ही ये पिन्हें अंदर की तरफ चली जाती है तो ये जो हमारा पॉइंट है वापस इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से ये जो टाइम स्विच है हमारी लाइटों को ऑन कर देता है और दोस्तों अभी हम टेस्टिंग करने के लिए अपने हाथ के साथ खुद इसकी घड़ी को सेंटर से इस तरह आगे की तरफ घुमाएंगे ताकि जिस टाइम पे हमने लाइटों को ऑन किया है वो टाइम आ जाए जैसा कि आप देख रहे हैं आपको कैमरे के लेंस पर तेज रोशनी न पड़े इसलिए अभी हम इसको इस तरह कवर कर देते हैं ताकि आपको कनेक्शन समझने में और सेटिंग समझने में आसानी रहे आप देखते जाए जू ही ये वाली पिन इसके साथ टकराएंगी ये हमारा टाइम स्वच्छ उन लाइटों को कट ऑफ कर देगा इस तरह जैसा कि आपको नजर आ रहा है और दोबारा फिर ये वाली पिने दोबारा आएंगी जहां पर हमने ऑन किया था फिर हमारी लाइटें ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी जैसा कि आपको नजर आ रहा और दोबारा फिर उसी तरह ऑफ फिर उसी तरह ऑन करते जाएं एक दिन में जितनी दफा चाहे आप इसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं और दोबारा फिर ये जो बाहर वाली पिनें हैं इन पिनों के आने पर हमारा टाइम सूच जो है अपनी लाइटों को ऑफ करवा देगा ये देखिए और अगर हम इन्हीं लाइटों को मैनुअली ऑन करना चाहते हैं खुद से तो इस सूरत में हम छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो हमारा छोटा सूच है इसको राइट की तरफ घुमाएंगे आराम के साथ जैसा की अभी आप देख रहे हैं हमारे टाइम सुच ने हमारी लाइटों को ऑफ किया था जबकि हमने मेनुअली भी इनको ऑन कर लिया है ये कोई टेंशन नहीं है आप दोनों तरीके से लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं और दोबारा फिर आप इन्हीं लाइटों को इस तरह आगे तरफ घुमा के ऑफ कर सकते हैं इस तरह वो फिर ऑटोमेटिक की पोजिशन पर चली जाएंगी और अगर आपके टाइमर सोच ने आपकी लाइटों को ऑन किया हुआ है तो आप फिर भी ये देखो अभी ऑन की पोजीशन पर किया हुआ है हमारे टाइम सुच ने हमारी लाइटों को फिर हम उसी तरह छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको राइट की तरफ हल्का सा घुमा लाइटों को भी ऑफ कर देगा तो दोस्तों ये तरीका है ट्वेंटी फोर आवर के मैकेनिकल टाइम स्विच की मुकम्मल टाइम की सेटिंग करने का और इसके कनेक्शन करने का तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज